22 जनवरी को अयोध्या में जलेगी दुनिया की सबसे बड़ी अगरबत्ती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप भी अपने घर में जब पूजा पाठ करते होंगे तो दीपक के साथ साथ अगरबत्ती जरूर जलते होंगे, लेकिन क्या आपने इतनी बड़ी अगरबत्ती अच्छी है जिसे बनाने में सेकंड लोगों की मदद लगी हो? जी हाँ, ऐसी ही एक अनोखी अगरबत्ती निर्माण किया गया है अयोध्या में राम मंदिर के भव्य आयोजन के लिए। अगर आप भी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या जा रहे हैं, वहां जाकर आप भी प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त करने के साथ ही राम मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन में होने वाली तरह तरह की अनोखी चीजों को देखकर जरूर आश्चर्यचकित होने वाले हैं। दरअसल अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाली ये अगरबत्ती कहां से आई है? आखिर इस अगरबत्ती की खासियत क्या है? ये किस चीज से बनाई गई है और किसने इसे बनाया है? ये सब कुछ अगर आपको जानना है प्रभु श्री राम के भक्तों द्वारा बनाई गई इस अगरबत्ती की फुल इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। गुरु जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को उनके भक्तों द्वारा बिल्कुल त्रेता युग की तरह सजाया गया है। हर तरफ पीले रंग के गेंदे के फूलों से मंदिर प्रांगण के साथ साथ पूरे शहर को भी इस तरह से सजाया गया है कि वहां आने वाले लोगों का मन आनंदित हो उठता है। वैसे लोगों के मन का तो नहीं पता, लेकिन वहां का माहौल पूरी तरह से राम राज्य के रंग में सराबोर हो चुका है। इन दिनों अयोध्या में देश के कोने कोने से राम भक्तों द्वारा राम मंदिर के लिए सौगात भेजने या लाने का सिलसिला जोर शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में अहमदाबाद से विशेष नगाड़ा अयोध्या पहुंच चुका है। इस नगाड़े को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को सौंपा गया। ये नगाड़ा मंदिर परिसर में लगाया जाएगा। इसका वजन लगभग 500 किलो है और एक दूसरे नगाड़े का वजन 800 किलो है। मंदिर में कुल 14 सोने से मढ़े हुए दरवाजे लगाए जाने हैं, जिनमें से 4 दरवाजे लग चुके हैं। उसमें से सबसे पहले सोने के मढ़े हुए दरवाजे पर अद्भुत नक्काशी की गई है। उस दरवाजे पर देवी देवताओं की छोटी छोटी आकृतियां बनाई गई हैं। ये दरवाजा मंदिर के गर्भगृह के शुरुआत में लगाया गया है। ये दरवाजे महाराष्ट्र से लाई गई सागौन की लकड़ी से बनाए गए हैं और उनके ऊपर सोने की चादरें चढ़ाई गई हैं। दरवाजे बनाने वालों ने यह दावा किया है कि ये दरवाजे 1000 साल तक खराब नहीं होंगे। दरअसल राम लल्ला के गर्भगृह परिसर में कुल 18 दरवाजे लगाए जाएंगे, जिनमें से 14 दरवाजों पर सोने की चादरें चढ़ाई जा रही हैं। मंदिर में रखी जाने वाली प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं भी 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनाई गई हैं। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन चांदी के बने विशाल पात्र में रामलला को भोग लगाया जाएगा। जिस चांदी के पात्र में रामलला को भोग लगाया जाएगा, वो यूपी के मिर्जापुर से श्री देवराहा बाबा आश्रम की तरफ से अयोध्या में लाया गया है। चांदी के बने 5 बड़े बर्तन भी भेजे जा रहे हैं। बड़े बड़े चांदी के बर्तन अपने आप में भव्यता का एहसास दिलाते हैं। सोच कर देखिए कितना अद्भुत दृश्य होगा वो, जब इन चांदी के बड़े पात्र में रामलला को भोग लगाया जाएगा। प्रभु श्री राम के भक्तों द्वारा तरह तरह की चीज उनके चरणों में अर्पित करने के लिए लाई जा रही हैं। कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने चांदी के जेवर ला रहा है, तो कोई रेशमी कपड़े ला रहा है। किसी ने हवन के लिए घी दिया है, तो किसी ने भूख के लिए कई क्विंटल लड्डुओं की भेंट दी है, बेसन के लड्डुओं की। इतनी बड़ी तादाद देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। इन लड्डुओं का प्रसाद दूर दूर से आए भक्तों में प्राण प्रतिष्ठा के दिन वितरण किया जाएगा। प्रभु श्री राम के प्रेम में डूबे हुए लोग अपनी भक्ति और प्यार जताने के लिए तरह तरह की अनोखी चीजें बनाकर अयोध्या लेकर आ रहे हैं प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने के लिए। अमीर हो या गरीब, सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आ रहे हैं। लोगों द्वारा लाई गई सौगात रखने के लिए एक अलग ट्रस्ट की व्यवस्था की गई है, जिनके हाथों में ये सामान सौंपा जा रहा है और उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जा रही है।
इन सभी चीजों का प्रयोग प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन किया जाएगा, क्योंकि सभी ने अपनी भरपूर श्रद्धा के साथ इन चीजों को मंदिर में दान किया है। राम भक्तों की ऐसी अपार भक्ति को देखकर किसी को भी आश्चर्य होना लाजमी है। कोई राम जी के लिए उपहार ला रहा है तो कोई माता सीता के मायके के अधिकार से उनके नाम पर उपहार लेकर आ रहे हैं, जिसमें साड़ी कपड़े जेवर गहने बर्तन और जरूरत की ढेर सारी चीज शामिल है। चलिए बात करते हैं उस अनोखी और दुनिया की सबसे बड़ी अगरबत्ती के बारे में, जिसे गुजरात के बड़ोदरा से 11 दिन का सफर तय करके लाया गया है। 108 फीट की ये बेहद अनोखी और भव्य विशाल अगरबत्ती देखने के लिए अयोध्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गुजरात से अयोध्या तक उस अगरबत्ती को लाने के लिए एक विशेष तरह का लंबा ट्रक तैयार किया गया, जिसमें सुरक्षित तरीके से ये अगरबत्ती लाई गई और सुरक्षित नीचे उतारने के लिए भी काफी लोगों ने मेहनत लगी और बेहद सावधानी के साथ इस अगरबत्ती को उतार कर मंदिर प्रांगण तक लाया गया। अगरबत्ती को मंदिर प्रांगण में रखने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। बांस और बल्लियां जमीन में गाड़कर स्टैंड बनाया गया है और उसके ऊपर इस अगरबत्ती को रखकर ऊपर से भी इसमें इसको हुंक से पढ़कर रखा गया है, ताकि ये विशाल अगरबत्ती कहीं से झुककर टूटने ना पाए। इस अगरबत्ती को बनाने के लिए पूजा में प्रयोग की जाने वाली ढेर सारी हवन सामग्री, पंचद्रव्य और गाय के गोबर का इस्तेमाल किया गया है। लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन चुकी ये अगरबत्ती 3500 किलोग्राम की है। लगभग 6 महीने में कई लोगों की मेहनत से बनकर तैयार हुई ये अगरबत्ती। एक बार जलने के बाद लगभग 1.5 महीने तक लगातार जलती रह सकती है। गुरु जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को उनके भक्तों द्वारा बिल्कुल त्रेता युग की तरह सजाया गया है। हर तरफ पीले रंग के गेंदे के फूलों से मंदिर प्रांगण के साथ साथ पूरे शहर को भी इस तरह से सजाया गया है कि वहां आने वाले लोगों का मन आनंदित हो उठता है। वैसे लोगों के मन का तो नहीं पता, लेकिन वहां का माहौल पूरी तरह से रामराज्य के रंग में सराबोर हो चुका है। इन दिनों अयोध्या में देश के कोने कोने से राम भक्तों द्वारा राम मंदिर के लिए सौगात भेजने या लाने का सिलसिला जोर शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में अहमदाबाद से विशेष नगाड़ा अयोध्या पहुंच चुका है। इस नगाड़े को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को सौंपा गया। यह नगाड़ा मंदिर परिसर में लगाया जाएगा। इसका वजन लगभग 500 किलो है और एक दूसरे नगाड़े का वजन 800 किलो है। मंदिर में कुल 14 सोने से मढ़े हुए दरवाजे लगाए जाने हैं, जिनमें से 4 दरवाजे लग चुके हैं। उसमें से सबसे पहले सोने के मढ़े हुए दरवाजे पर अद्भुत नक्काशी की गई है। उस दरवाजे पर देवी देवताओं की छोटी छोटी आकृतियां बनाई गई हैं। ये दरवाजा मंदिर के गर्भगृह के शुरुआत में लगाया गया है। ये दरवाजे महाराष्ट्र से लाई गई सागौन की लकड़ी से बनाए गए हैं और उनके ऊपर सोने की चादरें चढ़ाई गई हैं। दरवाजे बनाने वालों ने यह दावा किया है कि ये दरवाजे 1000 साल तक खराब नहीं होंगे। दरअसल रामलला के गर्भगृह परिसर में कुल 18 दरवाजे लगाए जाएंगे, जिनमें से 14 दरवाजों पर सोने की चादरें चढ़ाई जा रही हैं। मंदिर में रखी जाने वाली प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं भी 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनाई गई हैं। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन चांदी के बने विशाल पात्र में रामलला को भोग लगाया जाएगा। जिस चांदी के पात्र में रामलला को भोग लगाया जाएगा, वो यूपी के मिर्जापुर से श्री देवराहा बाबा आश्रम की तरफ से अयोध्या में लाया गया है। चांदी के बने 5 बड़े बर्तन भी भेजे जा रहे हैं। बड़े बड़े चांदी के बर्तन अपने आप में भव्यता का एहसास दिलाते हैं। सोच कर देखिए कितना अद्भुत दृश्य होगा वो, जब इन चांदी के बड़े पात्र में रामलला को भोग लगाया जाएगा। प्रभु श्री राम के भक्तों द्वारा तरह तरह की चीज उनके चरणों में अर्पित करने के लिए लाई जा रही है। कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने चांदी के जेवर ला रहा है, तो कोई रेशमी कपड़े ला रहा है, किसी ने हवन के लिए घी दिया है, तो किसी ने भूख के लिए कई क्विंटल लड्डुओं की भेंट दी है, बेसन के लड्डुओं की। इतनी बड़ी तादाद देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। इन लड्डुओं का प्रसाद दूर दूर से आए भक्तों में प्राण प्रतिष्ठा के दिन वितरण किया जाएगा। प्रभु श्री राम के प्रेम में डूबे हुए लोग अपनी भक्ति और प्यार जताने के लिए तरह तरह की अनोखी चीजें बनाकर अयोध्या लेकर आ रहे हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने के लिए। अमीर हो या गरीब,
सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आ रहे हैं। लोगों द्वारा लाई गई सौगात रखने के लिए एक अलग ट्रस्ट की व्यवस्था की गई है, जिनके हाथों में ये सामान सौंपा जा रहा है और उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जा रही है। इन सभी चीजों का प्रयोग प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन किया जाएगा, क्योंकि सभी ने अपनी भरपूर श्रद्धा के साथ इन चीजों को मंदिर में दान किया है। राम भक्तों की ऐसी अपार भक्ति को देखकर किसी को भी आश्चर्य होना लाजमी है। कोई राम जी के लिए उपहार ला रहा है तो कोई माता सीता के मायके के अधिकार से उनके नाम पर उपहार लेकर आ रहे हैं, जिसमें साड़ी कपड़े जेवर गहने बर्तन और जरूरत की ढेर सारी चीज शामिल है। चलिए बात करते हैं उस अनोखी और दुनिया की सबसे बड़ी अगरबत्ती के बारे में, जिसे गुजरात के बड़ोदरा से 11 दिन का सफर तय करके लाया गया है। 108 फीट की ये बेहद अनोखी और भव्य विशाल अगरबत्ती देखने के लिए अयोध्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गुजरात से अयोध्या तक उस अगरबत्ती को लाने के लिए एक विशेष तरह का लंबा ट्रक तैयार किया गया, जिसमें सुरक्षित तरीके से ये अगरबत्ती लाई गई और सुरक्षित नीचे उतारने के लिए भी काफी लोगों ने मेहनत लगी और बेहद सावधानी के साथ इस अगरबत्ती को उतार कर मंदिर प्रांगण तक लाया गया। अगरबत्ती को मंदिर प्रांगण में रखने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। बांस और बल्लियां जमीन में गाड़कर स्टैंड बनाया गया है और उसके ऊपर इस अगरबत्ती को रखकर ऊपर से भी इसमें इसको हुंक से पढ़कर रखा गया है, ताकि ये विशाल अगरबत्ती कहीं से झुककर टूटने ना पाए। इस अगरबत्ती को बनाने के लिए पूजा में प्रयोग की जाने वाली ढेर सारी हवन सामग्री, पंचद्रव्य और गाय के गोबर का इस्तेमाल किया गया है। लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन चुकी ये अगरबत्ती 3500 किलोग्राम की है। लगभग 6 महीने में कई लोगों की मेहनत से बनकर तैयार हुई ये अगरबत्ती। एक बार जलने के बाद लगभग 1.5 महीने तक लगातार जलती रह सकती है। गुरु जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को उनके भक्तों द्वारा बिल्कुल त्रेता युग की तरह सजाया गया है। हर तरफ पीले रंग के गेंदे के फूलों से मंदिर प्रांगण के साथ साथ पूरे शहर को भी इस तरह से सजाया गया है कि वहां आने वाले लोगों का मन आनंदित हो उठता है। वैसे लोगों के मन का तो नहीं पता, लेकिन वहां का माहौल पूरी तरह से राम राज्य के रंग में सराबोर हो चुका है। इन दिनों अयोध्या में देश के कोने कोने से राम भक्तों द्वारा राम मंदिर के लिए सौगात भेजने या लाने का सिलसिला जोर शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में अहमदाबाद से विशेष नगाड़ा अयोध्या पहुंच चुका है। इस नगाड़े को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को सौंपा गया। ये नगाड़ा मंदिर परिसर में लगाया जाएगा। इसका वजन लगभग 500 किलो है और एक दूसरे नगाड़े का वजन 800 किलो है। मंदिर में कुल 14 सोने से मढ़े हुए दरवाजे लगाए जाने हैं, जिनमें से 4 दरवाजे लग चुके हैं। उसमें से सबसे पहले सोने के मढ़े हुए दरवाजे पर अद्भुत नक्काशी की गई है। उस दरवाजे पर देवी देवताओं की छोटी छोटी आकृतियां बनाई गई हैं। ये दरवाजा मंदिर के गर्भगृह के शुरुआत में लगाया गया है। ये दरवाजे महाराष्ट्र से लाई गई सागौन की लकड़ी से बनाए गए हैं और उनके ऊपर सोने की चादरें चढ़ाई गई हैं। दरवाजे बनाने वालों ने यह दावा किया है कि ये दरवाजे 1000 साल तक खराब नहीं होंगे। दरअसल रामलल्ला के गर्भगृह परिसर में कुल 18 दरवाजे लगाए जाएंगे, जिनमें से 14 दरवाजों पर सोने की चादरें चढ़ाई जा रही हैं। मंदिर में रखी जाने वाली प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं भी 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनाई गई हैं। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन चांदी के बने विशाल पात्र में रामलला को भोग लगाया जाएगा। जिस चांदी के पात्र में रामलला को भोग लगाया जाएगा, वो यूपी के मिर्जापुर से श्री देवराहा बाबा आश्रम की तरफ से अयोध्या में लाया गया है। चांदी के बने 5 बड़े बर्तन भी भेजे जा रहे हैं। बड़े बड़े चांदी के बर्तन अपने आप में भव्यता का एहसास दिलाते हैं। सोच कर देखिए कितना अद्भुत दृश्य होगा वो, जब इन चांदी के बड़े पात्र में रामलला को भोग लगाया जाएगा। प्रभु श्री राम के भक्तों द्वारा तरह तरह की चीज उनके चरणों में अर्पित करने के लिए लाई जा रही हैं। कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने चांदी के जेवर ला रहा है, तो कोई रेशमी कपड़े ला रहा है। किसी ने हवन के लिए घी दिया है, तो किसी ने भूख के लिए कई क्विंटल लड्डुओं की भेंट दी है, बेसन के लड्डुओं की। इतनी बड़ी तादाद देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। इन लड्डुओं का प्रसाद
दूर दूर से आए भक्तों में प्राण प्रतिष्ठा के दिन वितरण किया जाएगा। प्रभु श्री राम के प्रेम में डूबे हुए लोग अपनी भक्ति और प्यार जताने के लिए तरह तरह की अनोखी चीजें बनाकर अयोध्या लेकर आ रहे हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने के लिए। 22 जनवरी को अयोध्या में दुनिया की सबसे बड़ी अगरबत्ती जलने वाली है। ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको प्रभु श्री राम के साथ साथ गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।